हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्वीट होम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 यानी कि लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मैंने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियोस देख लें। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 9 स्टार्ट होती है और जीसू को पता चल जाता है कि जीहून की मौत हो चुकी है, जिससे वो पूरी ही टूट जाती है और उसे ये याद आने लगता है कि जेहून ने मॉन्स्टर से लड़ने जाने से पहले जीसू को बोला था कि वो उसे पसंद करता है। और ये सब याद करके जीसू और भी रोने लगती है। तभी उसके पास योनो आती है। तो योनो को देख के जीसू उसको जीसू से दूर रहने बोलती है, क्योंकि जीसू के हिसाब से जो भी जीसू के साथ रहता है वही मर जाता है। जैसे पहले जीसू के एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था और अब जेहून भी मर गया है। तो ये सब सुन के योनो जीसू को अपनी बातें बताने लगती है कि उसके पेरेंट्स एक बैलेट परफॉर्मेंस देखने जाते हुए एक्सीडेंट में मर गए थे और उस दिन योनो के पापा की कोई भी इच्छा नहीं थी बैलेट परफॉर्मेंस देखने जाने की, लेकिन योनो ने बहुत ही जिद किया था उन दोनों को वहां जाने के लिए, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हो जाती है। तो उस एक्सीडेंट के बाद योनो उस एक्सीडेंट के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। इसके बाद उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में बता के योनो जीसू से बोलती है कि वो दोनों ही एक जैसे हैं, उन दोनों ने ही अपने अपने करीबियों को खोया है। ये बोल के योनो बोलती है कि उन दोनों के फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी कुछ हुआ इसके लिए वो दोनों जिम्मेदार नहीं हैं। तो योनो की बातें सुन के जीसू को थोड़ा बेहतर महसूस होता है। और यहाँ योनो की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि योनो को योनो की मम्मी पापा ने गोद लिया था और योनो के फैमिली के मौत हो जाने के बाद योनो की पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए खुद पढ़ाई छोड़ देता है, जो कि योनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो योनो के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आगे गिल से आपको याद आता है कि इस अपार्टमेंट में एक खुफिया रास्ता है जहाँ से अपार्टमेंट से सही सलामत बाहर निकला जा सकता है। तो गिल से अब जब उस खुफिया रास्ते को ढूंढने लगता है तभी वो और ये क्यों देखते है कि कुछ गुंडों के ग्रुप इस अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये देख के गिल से अब क्यों को छुप जाने बोलता है। इसके बाद वो गुंडे अपार्टमेंट में आके वो सोल्जर जो कि भाग के अपार्टमेंट में आया था उसको मारते हैं और फिर अपार्टमेंट के सारे ही रेसिडेंट्स को पकड़ के एक जगह पर सभी को बंद कर देते हैं। सिर्फ इक्यूंग और सांगोक ही गुंडों के नजरों से छुपने में कामयाब होते हैं। फिर वो गुंडे रेसिडेंट्स को धमकाने लगते हैं और अचानक से जीउन नाम के एक रेसिडेंट को मार भी देते हैं, जिससे सभी रेसिडेंट्स बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद उन गुंडों के ग्रुप का लीडर जांग से वो बोलता है कि अगर सभी ठीक से उसकी बात सुने तो वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। ये बोलने के बाद वो बोलता है कि उनके ग्रुप पहले एक चर्च में गए थे ये जान के कि वहाँ पर कुछ जिंदा लोग रह रहे थे, लेकिन वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि सभी लोग खुद जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसके बाद उसके ग्रुप को पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में जिंदा लोग रह रहे हैं, इसीलिए वो लोग सबके साथ रहने के लिए वहाँ आए हैं। ये सब कुछ बोल के वो सभी रेसिडेंट से पूछता है कि उन रेसिडेंट्स का लीडर कौन है। तो योनहुक बोलता है कि वही लीडर है और वही इतने दिनों से खाने पीने की चीजें ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो ये सुन के जांग से अब योनहुक को उन लोगों के ग्रुप में ज्वाइन करने बोलता है, क्योंकि उसने इतने दिन जैसे लोगों को ठीक से रखा था इससे जांग से अब उसके ऊपर इम्प्रेस्ड हो जाता है। तो योनहुक जांग से अब की बातें सुन के उसके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देता है और ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले वो ह्योनसो को बता देता है कि वो जांग से अब को दिखाने के लिए उस ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को कुछ टाइम उस ग्रुप की बातें माननी पड़ेगी। तो ये सुन के ह्योनसो पूछता है कि उन लोगों को कितनी देर तक उस गुंडों के ग्रुप की बातें माननी पड़ेगी। तो योनहुक बोलता है कि जब तक इक्यूंग और सांगोक वहाँ नहीं आ जाते तब तक, यानी कि योनहुक को पता था कि इक्यूंग और सांगोक गुंडों के नजरों से छुपे हुए है ताकि वो लोग गुंडों के ऊपर हमला कर पाए। इसके बाद जांग से अब योनहुक को उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर सानियोंग बंद थी। तो सांगियोन को देख के जांग से योनहुक को सानियोन को मार देने बोलता है। तो ये सुन के योनहुक बोलता है कि सानियोंग अभी तक मॉन्स्टर नहीं बनी है तो उसे अभी मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसको सुन के जांग से बोलता है कि सानियोंग कभी भी मॉन्स्टर बन सकती है तो उसे अभी ही मारना होगा। ये बोल के जांग से सानियोंग को मार देता है। इसके बाद इक्यूंग और सांगोक दोनों एक साथ मिलके एक एक करके गुंडे
गुंडों को मारने लगते हैं और उन लोगों को मार के रेसिडेंट्स के पास आते हैं और उन दोनों को गुंडों को मारते हुए देख सभी रेसिडेंट्स भी एक एक करके बाकी के गुंडों को मारने लगते हैं। तभी जांग सेव यूनहुक को पकड़ के उसके ऊपर बंदूक तान के सभी को उस गुंडों को मारना बंद करने बोलता है तो सभी रेसिडेंट्स जांग सेव की बातें सुन के रुक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सानियोन जिंदा होके मॉन्स्टर बन के सभी के पास आती है और एक गुंडे को मार देती है। इसके बाद वो यूनहुक को मारने ही जाती है कि तभी यूनहुक को बचाने के लिए हियोनसो सामने आ जाता है तो सानियोन के मॉन्स्टर बनने के बाद हियोनसो को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। फिर वो गुंडे सानियोन की बॉडी जला देते हैं। इसके बाद जांग सेव देखता है कि हियोनसो के शरीर में बहुत सारे घाव होने के बाद भी वो घाव कुछ ही देर में मिट जाते हैं तो ये देख के जांग सेव को लगता है कि हियोनसो भी एक मॉन्स्टर है तो वो हियोनसो को मारने के लिए उसके गुंडों के साथ हियोनसो को लेकर छत में जाता है और वहां ले जाके हियोनसो के ऊपर एक के बाद एक गोली मारता ही रहता है। तभी अचानक उन गुंडों के ग्रुप में से यू मियोंग नाम का एक गुंडा जांग सेव को मार देता है जिसको देख के बाकी के गुंडे उसके ऊपर गोली चलाते हैं। लेकिन हियोनसो की ही तरह गोली का कोई भी असर यू मियोंग के ऊपर नहीं पड़ता तो सभी गुंडों को मार के यू मियोंग हियोनसो के पास आता है और उसे बोलता है कि वो हियोनसो की तरह है। तो हियोनसो यू मियोंग से पूछता है कि वो तो उस गुंडों के ग्रुप में था तो फिर क्यों उसने सभी गुंडों को मार डाला। तो ये सुन के यू मियोंग बोलता है कि उसे जब जरूरत था तब उसने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था लेकिन उसे अब उस ग्रुप की कोई भी जरूरत नहीं है इसीलिए उसने उन लोगों को मार डाला। तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ आर्मीज द्वारा भेजे गए कुछ लीफलेट्स आते हैं जहाँ पर लिखा था कि जो भी आर्मीज को स्पेशल इन्फेक्टी के बारे में बताएंगे वो लोग आर्मी के सर्वाइवल कैंप में रह सकते हैं। तो उस लीफलेट को दिखा के यू मियोंग हियोनसो से पूछते हैं कि अब उन दोनों का क्या होगा। अगर घर वाले आर्मी के कैंप में सुरक्षित रहने के बदले उन दोनों के बारे में आर्मीज को बता दे तो ये सुन के हियोनसो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद रेसिडेंट्स भी बाकी के गुंडों को मार देते हैं और फिर हियोनसो यू मियोंग को लेके सबके सामने आता है तो यू मियोंग को देख के घर वाले उसे भी मारने जाते हैं कि तभी हियोनसो आके घर वालों को रोकता है और उन लोगों को बताता है कि यू मियोंग अच्छा इंसान है और उसने गुंडों से हियोनसो की जान बचाई है। तो हियोनसो से ये सब कुछ सुन के घर वाले यू मियोंग को नहीं मारते। इसके बाद यू मियोंग हियोनसो को बताने लगता है कि पहले पहले उसको जब ये बीमारी के बारे में पता चला था तब उसे लगा था कि उसके अंदर कोई मॉन्स्टर आ गया है तो इसलिए वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के पास गया था उस मॉन्स्टर को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए और उन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश किया था लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद यू मियोंग समझ जाता है कि वो एक स्पेशल ह्यूमन है जिसके पास बहुत सारे ताकत है। ये समझने के बाद वो उन रिसर्चर्स को मार के वहां से भाग जाता है। तो ये सब सुन के हियोनसो पूछता है कि अब यू मियोंग क्या करने वाला है। तो यू मियोंग बोलता है कि इंसान और उन दोनों के जैसे मॉन्स्टर्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इंसान हर वक्त उनके जैसे मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करेंगे इसीलिए वो अब से उन दोनों के जैसे मॉन्स्टर्स को ढूंढेगा और सबकी एक टीम बना के इंसानों पर राज करेगा। तो ये सब कुछ सुन के हियोनसो को भी लगने लगता है कि यू मियोंग ठीक बोल रहा है। आगे यूनहुक यूनहुक को आर्मी के द्वारा भेजे गए उस लीफलेट को दिखाता है जिसमें आर्मी ने स्पेशल इन्फेक्टिस को आर्मी के हवाले करने बोला था। तो वो देख के यूनहुक गुस्से में यूनहुक से पूछती है कि क्या अब यूनहुक उन लोगों के सुरक्षित रहने के बदले हियोनसो को आर्मी वालों के पास भेजने वाला है। जिसके जवाब में यूनहुक बोलता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि अगर आर्मी उन लोगों को सेफ जगह पर रख भी ले तब भी वो लोग कभी भी मॉन्स्टर्स बन सकते हैं तो आर्मी के पास जाके भी वो लोग पूरी तरीके से सेफ नहीं रह पाएंगे। ये बोल के यूनहुक बोलता है कि वो इन सब के बारे में हियोनसो से बातें करेगा। तो यूनहुक हियोनसो से इन सब के बारे में बातें करने जाता है लेकिन हियोनसो को लगता है कि शायद यूनहुक फिर से उसे किसी काम के लिए यूज करने वाला है इसीलिए वो यूनहुक की कोई भी बातें नहीं सुनता। आगे यू मियोंग यी किम और यूनहुक को ऑपरेशन गोल्डन आवर के बारे में बोलता है कि आर्मी का ये प्लान है कि अगर वो लोग इस बीमारी के सिचुएशन को संभाल ना पाए तो वो लोग मॉन्स्टर्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी मार डालेंगे ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। तो ये सुन के यी किम शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद यी किम यूनहुक को बता देती है कि आर्मी वालों ने उसे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस दिया है जिससे वो कभी भी आर्मी वालों को उन लोगों के पास बुला
बुला सकती है। ये बोल के वो योनहुक को वो डिवाइस देती है। आगे गिल से उस अपार्टमेंट के बाहर जाने के लिए खुफिया रास्ते को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ दूसरी की भी नाक से खून निकलने लगती है। फिर यूरी अचानक से बेहोश हो जाती है तो उसको ऐसे देख के सांगोक यूरी के लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी इमियोंग उन दोनों को रोकता है, लेकिन ह्योनसो इमियोंग को उन दोनों को जाने देना बोलता है। तो सांगोक जब यूरी को ले जा रहा होता है तभी अचानक इमियोंग उन दोनों के ऊपर गोली चलाता है और वो गोली यूरी को लगती है। ये देख के ह्योनसो इमियोंग को मारने जाता है लेकिन सफल नहीं होता। इसके बाद इमियोंग अंधाधुन सभी घर वालों के ऊपर गोली चलाने लगता है और इमियोंग की गोली से बियोंग इल नाम का एक रेसिडेंट मर जाता है। इसके बाद इमियोंग ह्योनसो को भी मारने लगता है और उसे बोलता है कि ह्योनसो ने सानियोन को नहीं मारा था क्योंकि सानियोन जांगसेओक के गोली से ही मरी थी। और सानियोन के मरने के बाद इमियोंग सानियोन के शरीर में घुस के मॉन्स्टर बन के सबके ऊपर हमला करता है। तो इमियोंग ने सानियोन के साथ ये सब कुछ किया है ये सुन के ह्योनसो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी सोलर इक्लिप्स होती है जिसकी वजह से अपार्टमेंट में अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक से ह्योनसो के शरीर से पंख निकलने लगती है और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि एक ही बार में वो इमियोंग को पकड़ के भस्म कर देता है। तो ह्योनसो को ऐसे मॉन्स्टर बनते देख योनहुक और जीसू उसे मारने जाते हैं लेकिन योनो उन दोनों को ह्योनसो को मारने से रोकती है। इमियोंग को मारने के बाद ह्योनसो घर वालों की तरफ आने लगता है लेकिन दूसरी ह्योनसो को कसके पकड़ के उसको शांत करता है और ह्योनसो के शांत होने के साथ साथ ही उसका पंख गायब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद ह्योनसो को जब होश आता है तब वो देखता है कि दोसिक मर गया है जिसको देख के वो टूट जाता है। इसके बाद गोली लगने की वजह से यूरी की भी मौत हो जाती है और शायद सांगुक की भी वहाँ पर ही मौत हो जाती है और उन दोनों के साथ साथ गिल सेव की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले गिल सेव घर वालों के लिए वो खुफिया रास्ता ढूंढ के निकालता है। फिर आर्मी इस अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं और सभी रेसिडेंट्स को स्पेशल इन्फेक्टी को उन लोगों के हवाले कर देने बोलते हैं। इसके बाद जंग सेव के ग्रुप में से बचा हुआ एक गुंडा उस खुफिया रास्ते से बंकर में जाके उस बंकर में रखी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे वो अपार्टमेंट गिरने लगती है। तो ये देख के सभी घर वाले खुफिया रास्ते से अपार्टमेंट के बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन ह्योनसो सभी घर वालों के साथ नहीं जाता। तो ये देख के योनो ह्योनसो को ढूंढने जाने लगती है लेकिन योनहुक योनो को बाकी घर वालों के साथ जाने बोलता है और ये बोलता है कि वो ह्योनसो को ढूंढ के लेके आएगा। तो योनहुक जब ह्योनसो को ढूंढने जाता है तब वो देखता है कि ह्योनसो आर्मी वालों के पास खुद को सरेंडर करने जा रहा है। तो ये देख के वो ह्योनसो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ह्योनसो नहीं रुकता और बाहर जाने लगता है। तो इसके बाद योनहुक एक जगह पर जाके बैठ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब बहुत लेट हो चुकी है और वो सही समय पर बंकर में नहीं जा सकता। तो वो उस जगह पर बैठ के योनो की दी हुई वॉकमैन से गाना सुनने लगता है और वहाँ पर रखी उन लोगों के फैमिली फोटो जो कि योनो ने रखा था उसको देखने लगता है। और तभी योनहुक की आंखों के सामने पूरी ही अपार्टमेंट तहस नहस होने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और बहुत टाइम बाद भी योनहुक के ना लौटने से योनो समझ जाती है कि योनहुक अब कभी भी वापस नहीं आएगा जिससे वो पूरी ही टूट जाती है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जो कि हमने एपिसोड 1 के शुरुआत में देखा था जहाँ ह्योनसो आर्मीस के सामने जाने लगता है और उसको सामने आते हुए देख आर्मीस उसके ऊपर गोली चलाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होती है और सभी घर वाले बंकर से अपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं और बाहर उन लोगों को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और उन लोगों को सर्वाइवल कैंप में भेज देते हैं और दूसरी तरफ इक्यूम आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद हम एक गाड़ी में ह्योनसो को देखते हैं और उस गाड़ी का ड्राइवर ह्योनसो को बोलता है कि बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है और उस गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि सांगुक था और सांगुक को देख के ह्योनसो शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ ही स्वीट होम ड्रामा की सीजन 1 खत्म होती है। और लास्ट के सीन में हमने जो सांगुक को देखा था वो मेरे हिसाब से सांगुक नहीं बल्कि इमियोंग था और इमियोंग जैसे सानियोंग के शरीर में घुसा था वैसे ही शायद वो सांगुक के शरीर में घुसा था। और हमें इस थ्योरी को प्रूफ करते हुए एक सीन में ये दिखाया गया है कि जैसे इमियोंग सानियोन के मरने के बाद एक लिक्विड जैसी चीज बन के सानियोन के शरीर से बाहर निकला था वैसे ही इमियोंग के मरने के बाद एक लिक्विड जैसी चीज एक गाड़ी में चल के उसको चला के अपन
डायमंड विंड के बाहर ले जाता है, तो शायद वो यूमियम ही था। एक तो ऐसा हो सकता है और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूमियम मर गया है और अब सांगोंग स्पेशल इन्फेक्टी बन गया है और इसीलिए वो यूरी के मरने के टाइम नहीं मरता। और इन सब के बारे में हमें स्वीट होम ड्रामा के सीजन 2 में पता चलेगा। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना और इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।